फ्रेंड्स, हर तरह की सब्जियां सभी लोग खाते हैं, पर सबका बनाने का तरीका अलग होता है। तो आज हमने जिस तरीके से अरवी की सब्जी बनाई है, ज़रूर एक बार आप इसे देखें और ट्राई करें। तो आइए चलते हैं बनाने। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल अंजलि मेक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं अरवी की सब्जी बनाने वाली हूँ, सूखा, एकदम सूखा सब्जी अरवी का। और बहुत ही ईजी तरीका है कि और इस तरह से अरवी की सब्जी बनाएंगे तो बार बार बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अरवी पे देखिए कितनी मिट्टी है, इसे मैं भिगो देती हूँ। भिगोने के बाद इसे मैं अच्छे से वॉश करूँगी। तो आइए पहले देखिए, यहाँ पे अरवी को मैंने धुल लिया है। धुलने के बाद इसको हमने कुकर में सेट कर दिया है। अब एक सीटी हमें गैस पे रख के इसे लगाना है। एक सीटी लग चुका है, अरवी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में मैंने कुछ ज़्यादा मसाला नहीं लिया है, बस थोड़ा सा जीरा लिया है, लहसुन लिया है, अदरक, काली मिर्च और हरी मिर्च। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले अरवी को छील लेंगे। बहुत ईजिली छिल जाता है ये, इस तरीके से देखिए, छूने पर ही छिलका इसका निकल जाता है। ये बहुत चिकना होता है और इसे आप कच्चा भी काटते हैं तो बहुत संभल के चाकू चलाना पड़ता है, बहुत तेज़, मतलब फिसल जाता है ये। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से सारे अरवी को पहले छीलेंगे, छील के इकट्ठा कर लेंगे। अभी थोड़ा गर्म है, देखिए मैंने सारे छील के निकाले, एक भी अरवी ख़राब नहीं था, बहुत ही फ्रेश है ये। अभी इसको हम साइड में रखते हैं। मिक्सी का छोटा वाला बाउल लिया है जिसमें हम सारे मसालों को डाल देंगे, लहसुन, काली मिर्च, जीरा, ये सब मसाले जो हैं इसको मैं थोड़ा सा पीस लेती हूँ। पीसने के बाद इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। उसके बाद इसी में हम टमाटर का प्यूरी भी बना लेंगे। तो देखिए, टमाटर भी पीस चुका है, अब पूरी तरह से अरवी प्रिपेयर है तैयार सब्जी बनने के लिए। तो आइए गैस के पास चलते हैं। तो गैस पे हमने यहाँ पैन रखा है, देखिए। अब इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ही ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, अदरवाइज़ किसी भी ऑयल में आप बनाएंगे तो थोड़ी फीकी लगेगी, इसलिए मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादा बनाने की सजेशन करूँगी। और ये जो मिर्ची वाला मसाला पीसा है उसको डाल देंगे ऑयल में। दो चार मैंने मेथी के दाने भी डाले थे। और मसाले को डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल के और मिक्स कर देंगे। देखिए कलर भी कितना अच्छा हो गया ना। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, कम ज़्यादा आप रख सकते हैं जितना आपको खाना है। नमक, हल्दी और मिर्ची डाल के मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। और मसाले पकने देते हैं इसे लो फ्लेम पे। जैसे थोड़े मसाले पक जाएंगे इसमें हम एक चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। ये एवरेस्ट का गरम मसाला है, ये आसानी से सभी के घर पे होता है। तो बस अब कोई भी मसाले हम इसमें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हम सूखी सब्जी बना रहे हैं इस वजह से। तो देखिए अभी मसाले पक चुके हैं, कलर भी आप देख रहे हैं। अब इसमें हम बना हुआ टमाटर का प्यूरी उसे डाल देंगे और अच्छे से इसे चला लेंगे और ढक देंगे। ढकने के बाद इसे हम 5 से 7 मिनट छोड़ देंगे पकने के लिए, जो ये मसाले हैं अच्छे से पक जाएं। मैंने ज़्यादा मसालों का यूज नहीं किया है इस सब्जी में। 5 मिनट बाद आप कलर देख रहे हैं, कितना खूबसूरत कलर लग रहा है इसका। और मसाले हमारे हिसाब से तो भून ही चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और हमें इसे भूनना है। ऑयल देखिए मसालों में से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। ऑयल अलग जब होने लगे तो आप समझ जाइए कि मसाले पक चुके हैं। अब इसमें हम अरवी को डाल देंगे, जो मैंने अरवी छील के रखा है। अब इस मसालों के अंदर हम डाल देते हैं इसे। देखिए डालने के बाद इसे हम बहुत अच्छे से चलाएंगे ताकि जो मसाले हैं अरवी के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। और जो मसाला है वो थोड़ा सा भी ढीला है तो गैस का फ्लेम हम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे ही इसे हम चलाएंगे। देखिए
मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए, ढक के रखेंगे ताकि ये अरोई में मसाले अच्छे से सेट हो जाएं। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स देखिए, दूसरी राउंड पे मैंने इसे ढक्कन को हटाया है, तो आप इसका कलर देख सकते हैं, अरवी किस तरह से पक रही है मसालों के साथ। इसका टेस्ट आप देख के भी पता लगा सकते हैं कितना टेस्टी सब्जी बना है। तो इसे एक बार और वापस से चला लेते हैं, और चलाने के बाद वापस से थोड़ा इसे और पकने देते हैं। जितना ये पकेगा उतना ही ड्राई होगा, उतना ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अरवी जो है वो हमने काटा नहीं है बिल्कुल भी, ना ही इसको मैंने कोई मतलब होल वगैरह किया है, बस ऐसे ही मैंने इसे पकाया है। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, हाई फ्लेम पे ही ये पक रहा है। अगर आपके पास धनिया अवेलेबल हो, हरा धनिया, तो काट के इसके अंदर डाल दीजिए, डाल के मिक्स कर दीजिए, तो टेस्ट में चार चांद लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने अभी हरा धनिया नहीं डाला है, कसूरी मेथी आप चाहें तो भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी आज की रेसिपी, आप सभी को कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।